हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिप चैनल। आज हम क्लास प्लस वन केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम का एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फॉर द रिएक्शन N2+O2 इक्विलिब्रियम 2NO द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2 फॉर द रिएक्शन 2NO+O2 गिव्स अस 2NO2 What is K for the reaction NO2 gives us half N2+O2। हमें जो है वो बेसिकली तीन reactions given है। फर्स्ट reaction का equilibrium constant हमें K1 given है, second reaction का equilibrium constant हमें K2 given है, हमें third reaction का equilibrium constant यानी कि K जो है वो find out करना है। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो थर्ड रिएक्शन है वो पहले दो रिएक्शंस को कैसे अरेंज करने से जो है वो बनी हुई है, कैसे इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है उसमें हमारा रिएक्टेंट जो है वो NO2 है, जबकि हमारी सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट NO2 था, यानी कि हमें NO2 चाहिए लेकिन प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट की फॉर्म में चाहिए, यानी कि हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और प्रोडक्ट को हमें जो है वो रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा करने के साथ साथ हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेसिप्रोकल में चला जाता है। जब भी हम किसी रिएक्शन को जो है वो उल्टा करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाते हैं और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी कि जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो 1/K2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें जो है वो सिर्फ NO2 चाहिए लेकिन यहाँ पे 2NO2 है, तो हम पूरी रिएक्शन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, उल्टा करके लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा NO2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का साइन अब 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां से ये 2 हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास NO प्लस, यहां पे 2 से डिवाइड करने के कारण यहाँ पे आगे हाफ O2 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले K1 था लेकिन उल्टा करने के कारण ये 1/K1 हो गया, क्योंकि हमने इसको 2 से डिवाइड किया, इसलिए जो भी पावर होती है वो पावर जो है वो जो भी इसके आगे कोफिशियंट होता है वो पावर बन जाता है। इसका कोफिशियंट क्या होगा, हाफ, क्योंकि हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, पूरी से 2 से डिवाइड करना यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई करना, तो हाफ इसकी पावर में जाएगा, हाफ यानी कि रूट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका हो जाएगा √1/K1। अब सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो N2 और O2 जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट में है, लेकिन थर्ड रिएक्शन में हमें तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में चाहिए, यानी कि हमें इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। इसको भी उल्टा करेंगे तो ये भी जो है वो हमारा रेसिप्रोकल में चला जाएगा, क्योंकि हमें जो है वो अब हाफ N2 चाहिए लेकिन यहाँ पे तो फुल N2 है, तो यहाँ इसको भी जो है वो हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम पूरी रिएक्शन को उल्टा कर रहे हैं और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2NO इधर आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करने के कारण ये सिर्फ NO ही बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ NO बच जाएगा, इधर हमारे पास O2 N2 को हाफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ N2 हो जाएगा, और O2 को भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ O2 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हमने जो है वो रेसिप्रोकल किया, तो इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/K2, साथ में हाफ से मल्टीप्लाई भी किया, तो इसलिए इसके ऊपर भी जो है वो हमारा रूट आ जाएगा। अब हमें थर्ड इक्वेशन बनानी है, थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, तो इन दोनों को जो है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा NO2+NO, इधर आ जाएगा NO+ ½ N2+ ½ ½ जो है वो 1O2 हो जाएगा। अब इधर भी NO है, इधर भी NO, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि NO कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी N2 गिव्स अस ½ N2+O2, NO2 गिव्स अस ½ N2+O2, जो कि हमारी रिक्वायर्ड रिएक्शन भी थी। तो ये दोनों को ऐड करने पे बनी है। जब भी हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यानी कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, दोनों इक्वेशंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है 1/K1 मल्टीप्लाइड बाय √1/K2। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो रूट ओवरऑल पूरी में चला जाएगा, तो ये जाएगा √1/K1 के
टू इक्वल टू हमारे पास के हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास थर्ड रिएक्शन का, जो कि ऑप्शन सी में है, रूट वन अपॉन के वन के टू। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।